हम बैरूत की एक मार्केट में हैं और यहाँ पर हमें एक इंडियन दोस्त मिल गए हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके हालात यहाँ पे क्या हैं। क्या हाल है जी आपका? सब ठीक ठाक है जी। हालात नाम क्या आपका? सुखविंदर सिंह। हाँ सुखविंदर सिंह, आप किस इलाके के रहने वाले हैं? इंडिया से, पंजाब गुरदासपुर से रहने वाले हैं। अच्छा गुरदासपुर, तो क्या हालात हैं यहाँ पे? हमारे तो सब ठीक ठाक है, पैसा भी मिलता है, खाने पीने के लिए भी सामान सब कुछ मिलता है। हाँ। वो जो मुश्किल है वो नीचे एयरपोर्ट के पास में है, बैरूत में है। हाँ अच्छा, तो आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? 6 साल से। 6 साल से। तो यहाँ पे कितने इंडियन और पाकिस्तानी हैं? इंडियन के इंटेलेक्ट तो जो एम्बेसी है वो 4,000 बोलती है इंडियन। अच्छा, वो पाकिस्तान का पता नहीं कितना है। अच्छा, और इधर हमने देखा है इधर बंगाली भाई भी काफ़ी हैं। बंगाली तो बहुत ज़्यादा, बंगाली तो 1 लाख के पास है। अच्छा 1 लाख है बंगाली पंजाब पास है। ये बताएं इधर जो लिबनान के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, एक दो हमें मिले, वो इंडियन गाने बहुत गाते हैं, ये क्या चक्कर है? ये पता नहीं, वो इंडियन से सीखे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग टैक्सी में बैठते हैं। हाँ। वो हमसे सीख लेते हैं गाना बोलना। अच्छा। हाँ। तो वैसे इधर इंडियन फिल्में भी चलती हैं बॉलीवुड की? हाँ बॉलीवुड की बहुत फिल्में चलती हैं, वो चैनल चलता है इनके केबल में। अच्छा, तो आप साल में कितनी दफ़ा इंडिया वापस जाते हैं? हमको 6 साल हो गया ही नहीं अभी। अच्छा, इधर इधर दिल लग गया? दिल लग गया इधर, अभी पेपर बना है। अच्छा। हाँ अभी जाएगा। तो अच्छा ये बताएं कि ये आप 6 साल पहले आए थे तो पेपर आपका अब बना है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है? ना कोई मुश्किल नहीं, कफील चाहिए, कफील आपका अच्छा है तो पेपर बन जाता है। अच्छा, तो अब आप अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को भी इधर लेके आएंगे? ज़रूर लेके आएंगे। अच्छा। हाँ हमको इंडियन को तो कोई प्रॉब्लम है, जो लिबनान का मिडल ईस्ट एयरलाइन है वो जा रहा है भाई। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिडल ईस्ट एयरलाइन आ रहा है, हम भी उसी से आए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो ये बताएंगे इधर इंडियन खाना खुना भी मिल जाता है? सब मिल जाता है, 2-3 होटल है इंडिया की। अच्छा, और वहाँ पे पकौड़े वगैरह भी मिलते हैं? सब कुछ मिलता है, पकौड़े रोटी जलेबी सब कुछ मिलता है। तो ये इधर आप इंडिया का खाना आराम से खा लेते हैं? आराम से खा लेते। चलो आप कभी खिलाते आओ। अच्छा नहीं हम खा लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑफर मारी है। लेकिन हम देखेंगे इधर के इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है इधर, चलो आगे देखते हैं। अभी आओ। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक हो आप? बांग्लादेश से हो? बांग्लादेश से हो। तो इधर आप क्या क्या चीज़ बेचता है? सब्जी बेचता है, नाश्ता बेचता है, सिंगरा है, समोसा है, परोठा है, तंदूर रोटी है, चावल है, रोज। तो इधर बिजनेस ठीक चल रहा है आपका? ठीक चलता है, इस इलाके में ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपसे जो ये समोसा जो है ये सिर्फ बंगाली और इंडियन खाता है या लोकल भी खाता है? ना कोई आदमी खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पसंद है आपका? हाँ सबका। सुना ये बहुत मशहूर है इधर? हाँ बहुत अच्छा। ये यहाँ पर एक और शॉप है और इस शॉप में आपको देसी मसाले नज़र आ रहे हैं काफ़ी, आपको इधर पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं वो उनकी बड़ी तादाद नज़र आ रही है। यहाँ पे जो काउंटर पे साहब बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं। जी क्या हाल है जनाब, खैरियत से आप? क्या नाम है आपका? आपका नाम है राम सिंह जी। राम सिंह जी, ये जो दुकान थी इसका मालिक तो पाकिस्तानी था, वो किधर गया? वो हम रोड़ा गोड़ा चलता सी, डरदा मरा चला गया। डरदा मरा चला गया, कागज पत्र है। अच्छा, ते कागज पत्र के बगैर भी आके उन्हें इत्थे दुकान पा ली? ना ओ दे डैडी दी दुकान है। अच्छा डैडी दी दुकान है। अच्छा ये दसो के इत्थे आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस शायद नहीं अभी 9-5 ही है। 9-5। तो वो जो पाकिस्तानी है वो आपको इधर बैठा गया? हाँ बैठा के क्या, अभी यारी दोस्ती करके। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी और इंडियन की इतनी यारी दोस्ती है कि वो अपनी दुकान जो है वो इंडियन के वाले कर गए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकारें उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बताएं कि ये इधर कैसा, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है इधर? आप इंडिया से हैं, ये लिबनान है, तो इधर खाने पीने में कोई मसला नहीं है? खाने पीने का कोई मसला नहीं, बस यहाँ रौड़ा कौड़ा का मसला बस। अच्छा। हाँ जो रौड़ा वाद गया तो आप भी चले जाएंगे? अच्छा आप भी चले जाएंगे फिर? आप भी चले जाएंगे। आप पीछे से किस इलाके के हैं? पंजाब में। पंजाब में कौन सी जगह? जिला मोका। मोका, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो आपको पता है कितने इंडियन और पाकिस्तानी हैं? कोई पता नहीं, जन तकरीबन होंगे 6-7 हज़ार बंदा होगा। 6-7 हज़ार तो बहुत है, 6-7 हज़ार बहुत आदमी है। वो नवे बंदे बहुत आ गए हूँ, कोरोना वाले चले गए थी। हाँ बहुत गए हूँ। अच्छा, तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? आपने तो हो ही गए 22 साल। 22 साल हो गए आपको यहाँ पे? हो बड़ी बात है। तो शादी आपने फिर इधर ही की या पीछे से करके आए? शादी करी ही नहीं।
करवाई नहीं करवाई हुई नहीं वधिया इत्थे हर चार शनिवार शादी होती है। अच्छा तो इंडियन फिल्में भी देखते हैं आप? देखते हैं फिल्में। अच्छा आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? एक्टर दा बारे कोई पता नहीं, हम 20-22 साल हो गए भुले भल पे सब कुछ। अच्छा तो बस ये है कि हम चाहते हैं आप, हम दुआ करते हैं कि आप महफूज रहें, लिबनान भी महफूज रहे, इधर जंग चल रही है, तो इस जंग के माहौल में हमें कुछ देसी मिल गए, हमने कहा उनसे भी बातचीत कर लें। है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ये आपको बेरूत में एक दुकान नज़र आ रही है, इस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, मिनी मार्केट इंडिया, मिनी मार्केट होलसेल एंड रिटेल। तो दुकान में हमें अंदर पाकिस्तानी मसाले नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी मसनूआत नज़र आ रही हैं, तो जाके अंदर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओ, लेकिन अंदर तो कोई और बैठा हुआ है। हेलो, हाउ आर यू, वेयर इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप? Pakistan. He gone to Pakistan? When? Last 2 weeks. Due to this problem, war? So you are looking after the shop these days. Okay. Thank you. Thank you very much. आपने देखा कि हमने यहाँ पर दो पाकिस्तानियों की दुकान जो है उसमें जाके उनसे बात करने की कोशिश की, तो एक पाकिस्तानी की दुकान जो है उसमें एक इंडियन बैठा हुआ था, राम सिंह, और राम सिंह ने कहा कि जो मेरा दोस्त है वो पाकिस्तानी है, वो चला गया है, वो मुझे अपनी जगह पे बैठा गया है। और दूसरा पाकिस्तानी जो है वो भी इधर मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे कोई फिलिपिनो औरत बैठी हुई है, और उसने बताया कि वो दो हफ्ते पहले ही चला गया है। तो यहाँ पे हमें पता ही चला है कि जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन इंडियंस जो हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, और वो यहीं पर हैं।